नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें आज के दिन किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वह हमारे देश के सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत जी के बारे में। हाल ही में राकेश टिकैत कृषि कानून के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के कारण काफ़ी चर्चाओ में रहे हैं, तो आज हम अपनी वीडियो में राकेश टिकैत जी की फर्श से लेकर अर्थ तक पूरी कहानी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। राकेश टिकैत जी का जन्म 4 जून 1969 को मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली गाँव उत्तर प्रदेश में हुआ और 2021 के हिसाब से इनके लगभग 54 साल है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज सिसोली से पूरी की है और इसके बाद इन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की है। राकेश टिकैत जी जाट जाति से बिलोंग करते हैं। इनकी हाइट 5 फुट 10 इंच और वेट लगभग 65 किलोग्राम है। राकेश टिकैत जी व्यवसाय से एक किसान और एक नेता हैं और इनकी शादी हो चुकी है। इनकी पत्नी का नाम सुनीता देवी है जो एक गृहिणी हैं और इनके 3 बच्चे हैं। इनके बेटे का नाम चौधरी चरण सिंह टिकैत और बेटियां सीमा व ज्योति हैं और इनके सभी बच्चे शादीशुदा हैं। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत है जो भारतीय किसान यूनियन के सह संस्थापक थे। इनकी लंबी बीमारी के चलते मई 2011 में मृत्यु हो गई थी। इन्होंने बतौर किसान नेता राजीव गांधी सरकार के खिलाफ लाखों किसानों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और इनकी माता स्वर्गीय बलजोरी देवी जी एक गृहिणी थी। ये 6 भाई बहन हैं जिनमें 4 भाई और 2 बहनें हैं। इनके सबसे बड़े भाई नरेश टिकैत जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के सभी महत्वपूर्ण फैसले राकेश टिकैत जी ही लेते हैं क्योंकि इनकी पार्टी में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। और दूसरे नंबर पर आते हैं खुद राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं सुरेंद्र टिकैत जी जो एक चीनी मिल में मैनेजर हैं और घर के सबसे छोटे बेटे नरेश टिकैत जी जो किसान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसान नेता बनने से पहले राकेश टिकैत जी दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कॉन्स्टेबल कार्यरत थे। जब राकेश टिकैत साल 1992 के समय दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे थे, तब उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत ने सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन छेड़ दिया था। तब भारत सरकार राकेश के ऊपर अपने पिता को आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी। तब राकेश ने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे विरोध में कूद गए और खुद को पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन से जोड़ लिया और किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। राकेश टिकैत जी किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए 40 से अधिक बार जेल भी जा चुके हैं और उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वर्तमान में किसान नेता राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी 2021 में लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद जब किसान आंदोलन पूरी तरह से टूट गया था और कमज़ोर होने लगा था, तब राकेश टिकैत जी एक इंटरव्यू में काफ़ी भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। उनकी यह वीडियो रातों रात खूब वायरल हो गई थी, जिसके बाद से मानो किसान आंदोलन में पुनः एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और किसान आंदोलन और भी मजबूत होता चला गया। इसके बाद से ही राकेश टिकैत जी काफ़ी चर्चाओं में रहने लग गए। इसके साथ ही राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें दोनों बार करारी हार का सामना करना पड़ा। तो अब हम बात करते हैं राकेश टिकैत जी की कार कलेक्शन के बारे में। इतने बड़े राजनेता होने के बावजूद भी राकेश टिकैत जी एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं और उनके पास ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ नहीं हैं।
इनके पास एक फोर्ड इंडेवर और एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार है, जो दोनों ही अपने सेगमेंट में बहुत ही लग्जरी और पावरफुल हैं। तो अब हम बात करते हैं राकेश टिकैत जी की इनकम और प्रॉपर्टी के बारे में। राकेश टिकैत जी के पास 4 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र के 13 बड़े शहरों में संपत्ति है, और इसके साथ ही इनके पास 80 करोड़ से अधिक वित्तीय संपत्ति भी है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।